जिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारत समाचार से खास बातचीत की, साथ ही साथ मुलायम सिंह की सेहत को लेकर भी जानकारी दी। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना एक रोडमैप तैयार कर रही है और आज निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बैठक भी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, कैसे देख रहे हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को अभी तैयार कर रही है। आज बड़ी बैठक है और उनको हम तैयार करके सभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जो हमारे महापौर के पद हैं, सबके लिए पार्षदों को जिस ढंग से हमें चुनाव लड़ना है उस प्रकार हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से 14 नगर निगम की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल फहराया था, इस बार सब 17 निगम सीटें हो गई हैं। शाहजहां कितना चैलेंजिंग है? देश की सभी सीटों पर 17 की 17 सीटें जीरो जीतेंगे और देखिएगा कि इतिहास रचेगा भारतीय जनता पार्टी। आप आरोग्य भारती के कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस कार्यक्रम को? चिकित्सा के क्षेत्र में कितना बदलाव आएगा सर? देखिए, अभी मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या में हमने दुगनी वृद्धि कर दी है, यानी चिकित्सक दुगने आ जाएंगे, तो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ भी उसके आसपास होना चाहिए। माने के अनुरूप इसलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। सर, कल आप सर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से भी मिले हैं, किस तरीके की सर तस्वीर सामने है? अभी उनकी तबीयत ICU में है, तबीयत खराब है और चिकित्सक समय समय पर मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन हमारी सरकार उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और शीघ्र स्वस्थ हों, काम पर लौटे, ऐसे हम प्रभु से कामना करते हैं। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे, उनका कहना यह है कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार तैयार कर रही है, उसी क्रम में आज एक बैठक है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।